हेलो बालको, उस दिन हमसे हो गया गलती, हम पॉज किए वो फाइनल हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो वीडियो देख लिया आपका सिरम पूरा फाइनल था। अब वो किस चेले से पाटे था ना एप्लीकेशन, यही एप्लीकेशन पेपर में सबसे ज्यादा दौड़ता हुआ देखा है मैंने आज तक। एप्लीकेशन कौन सा है बेटा? पेपर में आएगा व्हाट इज गॉस थ्योरम एक्सप्लेन एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब यह है कि मान लो कोई चींटा नीचे रेंग रहा है, हम उसके लिए खड़े हैं, तो हम उसके लिए क्या है, इनफाइनाइट है। इस तरह को समझो, बहुत छोटा मोटा, ये लंबा लंबा तार है, ये कोठरी बना दी, कोठरी पहले नहीं थी, पहले हमारे पास क्यों लंबा तार था ऐसे, ये भैया चार्ज था, लेकिन जब इसे फ्लक्स निकालने गए तो गैस का एयर, ये क्या कर रहा है तू, है इसको बंद नहीं करेगा, पहले बंद कर इसको भैया, फिर कोठरी लगाए हम। कहे हम बता चुके हैं कि हम तब ही आएंगे जब कोठरी बंद हो, समझ रहे हो, तो भैया इसको बंद करना पड़ा हमको, तब उसके बाद बंद कर दिए हम। बहुत सारा एरिया इसमें से मैंने छोटका सा एरिया ले लिया, एक पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एक परपेंडिकुलर टू, नहीं समझे, अच्छा समझाता हूँ। देखो बेटा, देखो यहां पर जो हमने लिया है ये पैरेलल टू द जीरो डिग्री, जीरो डिग्री है बेटा, यहां पर यहां 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। दो टाइप का एरिया है हमारे पास, छोटा छोटा ले लिए। अब हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हो आप, हम जानते हैं फाई बराबर ई डी, मैंने एस लिख दिया है, इसको ए मान लीजिए आप लोग, नहीं कंफ्यूज आ जाएंगे, आप लोग वैसे कंफ्यूजन में रहते हैं, हाँ ई डी ए, ई डी ए क्या कह सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पता करना है, ई निकाल लो एम को। अच्छा सर क्या किया जाए बेटा, एक तो है पैरेलल और दूसर भी वाला कैसे है, वाला परपेंडिकुलर, तो फाई ई बराबर लिखेंगे ई ई डी ए, ई डी ए कॉस थीटा प्लस ई डी ए कॉस थीटा, दो टाइम क्या लिख रहे हो सर, क्योंकि यहाँ पर एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, तो यहाँ पर देखा जाए तो ई यहाँ पर लिख सकते हो आप, सबका अलग अलग तरीका होता है समझाने का, मैं अपना तरीके से बता रहा हूँ, ई डी ए कॉस, ई डी कितना बेटा कॉस, एक पैरेलल है कॉस जीरो डिग्री प्लस एक है बेटा ई डी ए कॉस 90 डिग्री। अब आपको पता है कि पैरेलल होता है कॉस जीरो का मान कितना होता है वन, तो इसको क्या लिखोगे, ई डी ए बचेगा, कॉस 90 का मान क्या होता है जीरो, जैसे जीरो रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, जीरो हो गया। फाइव बराबर कितना आ गया बेटा आपके पास, इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई, इतनी बात आ गई, तो हमारे पास आया कितना फाइव ई बराबर कितना ई डी, फाइनली कितना है बेटा ई डी ए। पेपर में आप डायरेक्ट ये लिखने के बाद ये भी लिख सकते हो, अगर आपको बताने की जरूरत ना पड़े, मतलब ये बताओगे तो अच्छा ही रहेगा, भाई तीन नंबर पांच नंबर क्वेश्चन दिया है तो टीचर कुछ तो आपको जाना चाहता है ना। तो बेटा हमने दो एरिया लिए थे, दोनों के एरिया को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, बाकी आपने ई डी ए लिख लिया, ये पढ़े पीछे अभी गास बाबा का थ्योरम क्या था बेटा, क्यों बचे एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना बेटा ई, और ये बेटा क्या है डी ए। अब बात आती है कि सर एक बात है, मान लीजिए ये जो डी ए है, एरिया है छोटा सा एरिया, इसका वैल्यू कितना होगा, इस ये जो बेटा सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए कितना होता है, तो आप में से सब लोग जानते हो 2πRL होता है, कितना होता है बेटा 2πRL होता है, ठीक है, तो बालक सिलेंडर का एरिया 2πRL होता है। अब जैसे ही 2πRL है तो क्या करोगे यहाँ पर, तो लिख दो आप क्यों बचे एप्सिलॉन नॉट ई, यहाँ पर आप ऐसे इसको चेंज करो, एक्सचेंज कर दो थोड़ा सा, यहाँ ऐसे कर लो, और तेरी झलक, ये यहाँ पर ई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πRL बराबर कितना बेटा आपके पास ई आ गया, आपको क्या निकालना था ई, ई तो निकल आया सर, बिल्कुल सा आसान है सर, यही है, हाँ यही है, लेकिन बालक इस सिलेंडर की अपनी एक क्या है, लेंथ तो है ही, है कि नहीं, इसकी अपनी क्या है, रेडियस भी है, तो बेटा इसका जो चार्ज डेंसिटी वाला होगा पोर्शन क्यू बराबर होगा लैम्डा बटाई एल, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, मान लीजिए बालक यहाँ पर आपके पास इतनी बात सिचुएशन समझ में आती है, नहीं समझ में आती है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मान लीजिए बालक कि आपके पास चार्ज बहुत ज्यादा है, क्या बेटा चार्ज बहुत ज्यादा है, तो बेटा ये लैम्डा एल के बराबर होगा, किसके बराबर होगा लैम्डा एल,
ई स्पेशल पॉइंट आ गया। चार्ज बेटा देखो, अभी जब चार्ज डेंसिटी निकालोगे तुम तो एक बार चार्ज डेंसिटी पढ़ोगे क्यू बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, पढ़ोगे क्यू बराबर, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट क्यू लिख रहा हूँ मैं, ए मतलब रो बराबर चार्ज डेंसिटी क्यू बटे ए आपने पढ़ा है, ये चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, सिलेंडर का केस है तो मैंने ये लिख दिया। अब बालक क्यू लैम्डा एल यहाँ रख देंगे आके, लैम्डा एल ज्यादा आसान में चक्कर में सब कहानी गड़बड़ी आ जाती है, टू पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना बेटा ई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बेटा क्या आपके पास ई बराबर, ई बराबर वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे बेटा कितना आर। अगर देखा जाए तोड़ के तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, टू पाई एप्सिलॉन रेगुलर लिया एल एल कट गया इतना, तो हमारे पास इतना एक फॉर्मूला आ जाता है, तो ये डिराइव करने के लिए आता है। फाइनली सिंपल समझिए कि गॉस थ्योरम को ईडीएस से कंपेयर करना होता है, कंपेयर कर दिए किसी भी, अगर यही केस बेटा गोले के लिए आता स्फीयर बॉडी के लिए तो बेटा यही केस सेम सेम रखता और मैं क्या लिख देता यहाँ पर फोर पाई आर स्क्वायर लिख देता, क्या लिख देता फोर पाई आर स्क्वायर, कुछ ना करता यही क्वेश्चन, इतना लिखता और इतना लिखता, इसको लिखते अगर कोई स्पेयर बॉडी के लिए आ जाए पेपर में, याद रखना वायर लेंथ के लिए मैंने बता दिया है, अगर स्पेयर बॉडी के लिए आ जाता है पेपर में तो बेटा यहाँ पर टू पाई आर लिखेगा, लिखो फोर पाई आर स्क्वायर लिखना, बाकी ई की वैल्यू निकाल लेना, कैलकुलेशन करके आपको कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप अच्छा आंसर निकाल लोगे। तो बेटा ये आ गया, क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर यूनिफॉर्म लेंथ, इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। एक मिनट होगी, समझ में आ गया, फुल हो गया क्या? अरे यार कितना आज कितने पर आया, तो बालक वीडियो फंस गया था, तो आप इतना नोट कर लिए बेटा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इनफिनाइट लेंथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तो बेटा ये था आपका गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन टॉपिक पूछा जाएगा, पहला लेक्चर मेरा देख लीजिए जो मैंने पढ़ाया है, ये भी समझ लीजिए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, फिर चौथा डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैं आपके पढ़ा दे रहा हूं 12th वाले, तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं कर दूंगा आप लोग के लिए, बाकी जैसा ही समझे। तो बेटा नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डेरिवेशन। ओके चाचा बाय बाय, टेक केयर बेटा, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए बेटा, आप लोगों से ही है उम्मीद, जितना अधिक शेयर कर देंगे हमें अच्छा लगेगा, बाकी और कुछ नहीं चाहता मैं आपसे। ठीक है, तो बेटा कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, हो सकता है कभी कभी मिस्टेक ना आता, क्योंकि बेटा ज्यादा टॉपिक को सिंपल करो ना तो उसमें हमें खुद कंफ्यूजन होने लगते हैं क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि होता है बेटा बायोलॉजी वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़ने में ज्यादा डिफिकल्टी आती है, मुझे ये बात पता है, इसीलिए मैं टॉपिक को जितना नहा धोकर सिंपल करना चाहता हूँ, सिंपल हो जाए उनको इतना ही याद हो जाए बेटा, यही वो कॉस थीटा में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं बायोलॉजी वाले, तो बेटा मैंने कहा अगर इतना कर दिया है उसके बाद फाइनल यहाँ पे करना चालू करें तभी सही है, मतलब चीज़ों को समझा पाए टीचर को अपने वर्ड्स में जितना अच्छे से वही बेस्ट है आपके लिए। बाकी मैंने बताया सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है, एरिया डी ए है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई है, बाकी लेंथ एल है, इतना आप बता सकते हैं कंसिडर करके। ओके, होप कि आपको बात समझ में आई हो, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा वीडियो लगा आपको जरूर बताइएगा, पहला और दूसरा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, शेयर जरूर करिए बेटा, ठीक है, खुशहाल फोकस, ठीक है।